Nita
ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो श्री राधा कांत नमस्तुते। वैदग्ध सिंधुर अनुरागैक सिंधु वात्सल्य सिंधुरति सांद्र कृपायक सिंधु लावण्य सिंधुरमृत छविकेलि सिंधु श्री राधिके स्फुरतु मे हृदि केलि सिंधु। भक्त्या विहीनापराध लक्ष्य क्षिप्तासि कामादि तरंग मध्ये कृपा मयि त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंदम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरि 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 राम 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 हरि। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट विष्णु पाद स्तोत्र सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। आज एक विशेष तिथि है। आज पंचतत्व तत्व में अंतर्गत श्रीवास पंडित जी का आज तिरुभाव महा महोत्सव है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करमो जीवे दया करी सपार्षद सियो धाम सहावतारी। जब भगवान इस जगत में आते हैं वो अकेले नहीं आते, अपना धाम और पूरा परिकरों को लेकर के इस जगत में भगवान अवतीर्ण होते हैं। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जब आए उन्होंने क्या किया, कहते पंच तत्वात्मक कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताभ्यम नमामि भक्ति शक्तिकम। इसलिए भगवान स्वयं पंच रूप में जगत में आए हैं। इसलिए पंच तत्वात्मक कृष्णम कहते भक्त रूप कौन है, महापुरुष स्वयं कहते उनका स्वरूप भक्त रूप स्वरूप कम स्वरूप कौन है, श्री नित्यानंद कहते भक्ता अवतार कौन बोले श्री अद्वैत आचार्य कहते भक्त रूप स्वरूप कम भक्त अवतार। इसलिए भक्त अवतार श्री अद्वैत आचार्य भक्ति शक्ति श्री गदाधर पंडित और जो भक्त जब शुद्ध भक्त है कहते श्री श्रीवास पंडित है। इसलिए कलियुग में भगवान कृष्ण स्वयं ये पंच रूप में आए जगत में और उन्होंने
सर्वत्र हरि संकीर्तन को उन्होंने प्रचार किया। कहते ये श्रीवास पंडित पूर्व जन्म में कौन है? कहते श्री नारद जी, नारद जी हैं। इसलिए नाम ही नारद है। नारद मतलब क्या है? नारद, जहाँ कहीं रद नहीं होते हैं, सब जगह में जो सक्सेसफुल है। और नर मतलब होता है ज्ञान, द मतलब सबको जो ज्ञान देते हैं। नर मतलब होता है भक्ति, सबको जो भक्ति देने वाले। नर मतलब होता है रस है, सबको जो रस देते हैं, हैं? इसलिए नर मतलब होता है आसक्ति, द मतलब होता है खंडयति। जीव का जो भव बंधन, जो आसक्तियों को जो खंडन करने वाले श्री नारद जी है। कहते इनके बगैर भगवान की कोई भी लीला नहीं। कोई भी आप लीला देखो भगवान की, कोई इनके बगैर कोई लीला है ही नहीं। लीला सूत्रधर श्री नारद जी है। रामलीला देखो, उसका भी सूत्रधर कौन है? नारद जी है। जिस समय नारद जी बड़ा अभिमान हो गया है, बोले जो काम मेरे पिताजी नहीं कर पाए, ब्रह्मा जी क्या माया को जीत नहीं पाए, मेरे बड़े भैया जो भोले बाबा शंकर जो नहीं कर पाए, जो काम को इंद्र और जिस काम को विश्वामित्र नहीं कर पाए, वो काम मैंने कर दिया। क्या कर दिया? माया को मैंने जीत लिया। हाँ, माया को जीत लिया, इसलिए उनको अभिमान हो गया। अभिमान होकर के भगवान के पास में गया, भगवान भी खूब बाबा दिए, बोले एक माया जीत में और तुम्हारे भक्त माया तू तो जीत करोगे। बोले वाह, सचमुच से भगवान ही सम्मान देना जानते। बस छाती तो इतना फूल गया है, मोटा हो गया। हाँ, माया को जीत लिया, भगवान देखा फोड़ा हो गया, ऑपरेशन करनी चाहिए। और आते समय उन्होंने बीच में स्वयंवर सभा रचा दिया, स्वयं लक्ष्मी हैं, कहते स्वयं हैं, वरमाला लेकर के उपयुक्त वर को चुन रहे थे और वहीं पर आकर फंस गए। बोले सबके सब दो दो है, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम और पार्वती, शिव पार्वती और कौन है, कहते सच्ची और इंद्र, ये सबके सब दो दो, मैं अकेला ही रहूं, मैं भी दो बनी जाऊं। इसलिए उन्होंने इन्होंने आसक्ति हो गए, लक्ष्मी के प्रति आसक्ति हो गए। और बाद में जब भगवान ने स्वयं आकर के उनको लेकर चले गए, भगवान को ऊपर इतना क्रोध आ गया, बोले सबको ऊपर तो ऐसे हाँ अधिकार जमाते हो, सबको नचाते हो, हैं? ये लड़की को पीछे तुमने मेरे को दर दर घुमा भटका दिया, एक दिन इसी लड़की को पीछे तुम्हें भी दर दर भटकना पड़ेगा। इतने भगवान जब अपना माया को उन्होंने हटा लिया, बोले हे भगवान कहा लक्ष्मी को प्रति में ना सकती हो गया है, फिर तो उनको हाँ। तब उन्होंने बोले ठीक है, इसी को पीछे मैं दर दर भटकूंगा, क्योंकि वही जब सीता बन करके आएगी, जब रावण उसको चुरा करके ले जाएगा, भगवान भी उसको पीछे दर दर भगवान भी भटकेंगे। पहले जब मैं भटकूंगा ना तेरे जैसे काले मुंह बंदर वाले, काला मुंह दे दिया था हाँ, बोले तुम लोगों का सहारा से ही फिर मैं उनको उद्धार करूंगा। इसलिए कहते नारद भी ये लीला की मूल सूत्रधार भी नारद है, हैं? इसलिए कहते श्री रामायण का हो गया, कहते श्री श्रीमद् भागवत का यही सूत्रधार है। जब व्यास देव जी सारे ग्रंथ रचना करते हुए जब विसर्ण हो रहे थे, उनको शांति नहीं मिल रही थी, नारद जी ने आकर के ही उन्होंने उनको भागवत वर्णना करने के लिए उनको उपदेश दिया है। इसका भी मूल सूत्रधार श्री ये है। इसलिए भगवान की ऐसे कोई लीला नहीं जिसमें नारद जी का काम नहीं। इसलिए नारद जी नारायण, जब नारायण लोक में जाते हैं, वैकुंठ लोक में भी नारद, इसलिए कहते ना जितने सब जगह में जितने यात्रा होता है, कहते नारद जी क्या नाम लेते हैं? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, कहते सबके सब नारायण का नाम लेते। जब वैकुंठ में भी उनकी रोल है, हैं? और कहते अयोध्या में उनका भी रोल, अयोध्या में कहते इनकी वृंदावन में हैं, इनका रोल भी वृंदावन में भी है। इसलिए कहते श्री वृंदावन में ये श्री मधुमंगल है, कहते जो मधुमंगल सखा है, कहते इसी रूप में श्री नारद जी वहां पर भी आए और महाप्रभु का लीला में जब आए, कहते श्री नारद बन करके महाप्रभु का लीला में, श्रीवास पंडित बन करके महाप्रभु का लीला में आए। हर लीला में भगवान की नारद के बगैर कोई लीला हुई नहीं है। इसलिए कहते ये इनका जन्म कहाँ हुआ है? कहते श्रीहट, श्रीहट ये बंगाल, पूर्व बंगाल में इनका है, श्रीहट पूर्व बंगाल में है। इसलिए जो पूर्व बंगाल है वो साधारण स्थान नहीं,
पहले हमने बताया था ना, जब श्री चैतन्य महाप्रभु जब ये जगत छोड़ करके जा रहे थे, वहां पर एक नदी जिसका नाम पद्मा नदी है, तब उन्होंने पद्मा नदी को पास में उन्होंने अपना प्रेम को रख करके गए, बोले भविष्य में एक बहुत बड़ा एक साधु आएगा, ये प्रेम तो उनको दे देना। बोले इनका नाम क्या? बोले नरोत्तम दास ठाकुर जी है। बोले कैसे पता चलेगा? बोले उनका चरण स्पर्श होते ही पानी अपने आप उफरने लग जाएगी। पर समझना ये वही महापुरुष है, ये वही महापुरुष है। तो उफरते समय हवा आया और उसको हवा जिधर लेकर चला गया वो देश को पवित्र बना दिया, और जितने हमारे गुरुवर्ग आए हैं उसी तरफ से ही सबके सब आए। इसलिए पूर्व बंगाल को है उनको अभिन्न वृंदावन मानी जाती है। इसलिए मेरे गुरुजी कहते थे, अब सोच नहीं सकते, मेरे गुरुजी पूर्व बंगाल की भक्ति प्रज्ञान के सब गोस्वामी महाराज, भक्ति बावन गोस्वामी महाराज, ये सब पूर्व बंगाल के सब सब भक्ति देता माधव गोस्वामी महाराज, अक्सर करके प्रभुपाद का जितने गण हैं कहते सब सब उधर से आए। नरोत्तम दास ठाकुर, पुंडरीक विद्यानिधि हैं, ये सबके सब उस तरफ से सबके सब आए हैं। हमारे गुरु जी कहते थे उनको अंदर भी इतने भक्ति, जब वैष्णव लोग जाते थे किसी गांव में, जो वैष्णव लोग जाते थे सबके सब घर से निकल कर आते थे, शंख करताल मृदंग हैं सबके सब कांसारी बजाया करते थे, और जितने दूर से आए थे ना पूरा कितने दूर से उन्होंने पूरा के पूरा उन्होंने पूरा एकदम जो कपड़ा बिछा कर रख देते थे, वैष्णव लोग आ रहे हैं पूरा पूरा कपड़ा बिछा देते थे, और बोलते थे कैसे सेवा करते थे, कहते जब वैष्णव का चरण को जब उन्होंने धोते थे है, चरण को धो करके चरण को पोछते थे कैसे, बोले केसों से, मतलब उनका अंदर जो भक्ति कहते थे वो अपना केस से, बोले वैष्णव लोग है ना स्त्रियां अपना केस से वैष्णव का चरण को जैसे कपड़े से पोछा लगाते ना, वैसे उन्होंने कपड़े उन्होंने उसको चरणों को पोछते थे। मतलब इतनी भक्ति उनको अंदर में, इतने भक्ति जो सोच नहीं सकती, इतने पूर्व बंगाल लोग में भक्ति है। इसलिए उस तरफ में ही कहते इनका जन्म हुआ, लेकिन परवर्ती समय में उन्होंने श्री नवद्वीप में आकर के रहे, और इनको श्री जगन्नाथ मिश्र सच्ची महा को साथ में इनके विशेष संबंध था। और इनकी पत्नी का नाम क्या थी? श्रीवास पंडित की पत्नी का नाम क्या थी? कहते श्री मालिनी देवी। मालिनी देवी भी बाद में हम सुनेंगे कैसे उन्होंने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का अपना बेटे रूप में देखते थे, इनको अपना बेटे रूप में देखते थे। बोले बेटे रूप में क्यों देखते थे? कारण क्या है? इसलिए कारण वो है जिस समय महाप्रभु इनके घर में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, इसलिए इनका जो घर है इनको मानी जाती है श्री रास मंडल, इनका रास मंडल श्रीवास आंगन, क्योंकि द्वापर युग में तो कृष्ण बंसी भट्ट को नीचे उन्होंने रास किया, लेकिन कहते कलयुग में रास किया है। बोले कलयुग में जो रास है, कलयुग में संकीर्तन ही यही रास है। रास मतलब होता है रस है, और रस आता है कहाँ से? संकीर्तन से है। इसलिए संकीर्तन कृष्ण नाम में, इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह शुद्ध मुक्त नित्य मुक्त अविरनात्वात् नाम। इसलिए नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, नाम कहते सख्यात रस है नाम है, ये नाम नहीं ये सख्यात रस है नाम है। इसलिए कहते कलयुग में जो संकीर्तन रास है किसको घर में हुई? बोले श्रीवास पंडित के घर में। इसलिए एकादशी को हम कीर्तन करते हैं ना, क्या कीर्तन करते हैं? श्री हरि बस हरि हरि कीर्तन विधान कृत आय भीला प्रभु जगतेर प्राण श्रीवास पंडित लैया एक संप्रदाय इसलिए इसलिए यहाँ पर बताए श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान नृत्य आरंभ ला प्रभु जगत। इसलिए श्रीमन महाप्रभु इनके घर में ही संकीर्तन रास, सारे भक्तों को लेकर के इनके घर में उन्होंने संकीर्तन रास किया, और संकीर्तन रास करते करते क्या हुआ, उनको जो एक लौता जो संतान था उसने अपना शरीर छोड़ दिया। शरीर छोड़ देने पर स्त्रियां तो रोने लग गई, रोने लग गए। इतने में श्रीवास पंडित ने देखा घर में रोना धोना क्यों, तो उन्होंने निकल कर आकर देखा उनको एक लौता बेटा शरीर छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा रो रहे हैं क्यों? बोले तुम्हारी अकेला बेटा था शरीर छोड़ दिया। देखो भक्त होना बड़ा सख्त है,
हम जो कहते ना, इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, इसलिए क्लेशग्न सुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते जो भक्ति वो दुर्लभ नहीं, भक्ति सुदुर्लभ है। भक्त होना बड़ा सकत है, भक्त होना बड़ा सकत है। देखो इसलिए ये भक्ति है, कभी ये भक्त रूप है ना, है कभी भक्त बता रही भक्ति है। इसलिए इसलिए उनको बोले बेटा मर गया तुम रो रहे क्यों, बोले तुम्हारा अकेला बेटा था शरीर छोड़ दिया। बोले दिया था किसी ने, बोले ठाकुर ने दिया। बोले लिया किसी ने, बोले ठाकुर ने लिया। दिया उसने और लिया उसने, तो बीच में तुम रो रहे क्यों, रो रहे क्यों, दिया उसने और मतलब कितना बुद्धि है, कितना स्थिर बुद्धि है। इसलिए शांति अभ्यर्थ कालतम विरक्ति, इसलिए शांति, शांति मतलब क्या है, जितने जीवन में खोब का विषय आने पर भी, दुख का विषय आने पर भी जो कभी दुखी नहीं होते, हर समय में अक्ली मेव मक्तिर भुक्ता धिया मेव हरी स्मरे अलभ देवा विनष्टेवा भक्ष आच्छादने साधने। इसलिए कुछ मिले कुछ नहीं मिले हैं, हर अवस्था में जिनका बुद्धि कभी विकृत नहीं होता है, हैं? इसलिए शांति, इसलिए देखो इनके अंदर में कैसे शांति है। साधारण लोग क्या करेंगे, साधारण लोग क्या करेंगे, बेटा मर गया ना, भगवान की भक्ति करते ठाकुर को उठा कर बाहर फेंक देंगे, हैं? बोले इनका हम इतना भजन साधन किया, इनका दिन भर नाम लेता हूँ, भक्ति करता हूँ, और हमारा बेटा को मार दिया, हमारी बेटा को तुमने मार दिया, हम तो ठाकुर भाकुर फेंक भाग देंगे सबके सब। लेकिन इनका बुद्धि कितना स्थिर है, दिया ठाकुर ने और लिया ठाकुर ने, फिर बीच में क्यों रो रहे हो, एक दिन तो शरीर छोड़ना के है कि नहीं, जब एक दिन शरीर छोड़ना, जहाँ साक्षात वैकुंठपति स्वयं महाप्रभु जहाँ पर नृत्य कीर्तन कर रहे और उनकी कीर्तन सुनते सुनते शरीर छोड़ा, वो कहते मैं तो चाहता मेरा ऐसे सौभाग्य हो ना, अपना जीवन को धन्य धन्य माने कि महाप्रभु रहते समय कीर्तन सुनते सुनते हैं शरीर छूटा, कितने भाग्य है, है? इसलिए खबरदार रोना नहीं, अगर तुम्हारे रोना धोने में अगर महाप्रभु का नृत्य कीर्तन में कोई बाधा आया तो एक बेटा तो गया ही है, अरे मैं भी गले में कलसी बांध करके मैं भी गंगा में छलांग लगा दूंगा, है छलांग इसको सुन करके, जितना होने पर भी स्त्रियां है ना, है इसलिए स्त्रियां हैं, रो तो रही थी धीरे धीरे अंदर अंदर में रो रही थी सब। इतने में श्रीवास पंडित कीर्तन में आए, फिर महाप्रभु को साथ में, पहले जितने आनंद में नृत्य कर रहे थे अभी उससे भी ज्यादा आनंद में छलांग लगा कर नाच रहे। महाप्रभु सर्वांतर्यामी सब जानते हैं, महाप्रभु ने कहा है जब उनको रात आधा हो गया, लास्ट रात में जब धीरे धीरे कीर्तन की समाप्त हुई, महाप्रभु बोले लगता है आज श्रीवास जी को घर में कुछ अनहोनी हुई है, इसलिए आज मेरे मन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है। इतना बोलते ही श्रीवास पंडित तो छलांग लगा दी, बोले प्रभु जहाँ आप साक्षात नृत्य कीर्तन कर रहे हैं वहां पर कभी अमंगल हो सकता है, कहीं हो ही नहीं सकता अमंगल है, है? इसलिए मंगल भवन अमंगल हरी, साक्षात अमंगल को आप हरण करने वाले कभी हो ही नहीं सकता है। इतने में किसी भक्त ने बोल दिया, बोले प्रभु श्रीवास का जो एक लौता संतान था उसने शरीर छोड़ दिया, महाप्रभु सुनकर रोना शुरू कर दिया। महाप्रभु कहते हैं पुत्र शोक ना जानिलम जे महार प्रेमे एमत संगम ही छाड़ी बके। महाप्रभु स्वयं कह रहे का देखो मेरी पति की कितने भावना कितने भक्ति, पुत्र शोक बेटा कितना प्यारा होता है, एक बेटा हो किसके शरीर छोड़ जाए, इसलिए पुत्र शोक ना जानी लो जे महार प्रेमे, जिसने मेरे मेरे प्रीति के लिए अपना बेटा का शोक भी उन्होंने भूल गया, ऐसे संगत को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, है? महाप्रभु रोने लग गए, रोने लग गए महाप्रभु, और महाप्रभु रोने लग गए और महाप्रभु का इसको देख करके ना भक्त लोग समझ गए। महाप्रभु बोले ना एमत संगम ही छाड़ी वक्य मने, बोले ऐसे संग को मैं कैसे छोड़ सकूं, भक्त लोग समझ गए महाप्रभु और ज्यादा दिन गृहस्थ लीला में नहीं रहने वाले, क्योंकि बोल दिया ना उन्होंने इंगित दे दिया ना संन्यास लेने वाले महाप्रभु हैं, ऐसे संग को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, भक्त लोग भी दुखी हो, बोले चलो चलो हम जाकर देखते हैं। महाप्रभु आए भक्तों को साथ में, देखा वहां पर ऊपर में उफन ढका हुआ और सब माताएं बैठ कर रो रहे, और महाप्रभु आए उनको छाती के ऊपर हाथ रखा,
हाथ रखते दोबारा जिंदा हो गया। देखो भगवान किसको कहते हैं? इसलिए कर्तुम अकर्तुम अनर्था कर्तुम जो सक्यते सर्व ईश्वर, जो है को नहीं, नहीं को जो है कर सकते हैं। अभी तो कितने बड़े बड़े भगवान निकल रहे, लेकिन भगवान कृष्ण ने किया क्या? उन्होंने तीन तीन बार मरे हुए बच्चों को तीन बार उन्होंने बचाया। एक तो अपना गुरु पुत्र को ला करके दिया मरा हुआ, जो फिर मैया देवक को पता चला मेरे बेटा ने गुरु दक्षिणा रूप में मरे हुए बेटे को लाए, फिर उन्होंने प्रार्थना की मेरे भी छह छह बच्चों को कसे ने मार डाले, ला दो मैं दर्शन करूं, फिर उन्होंने लेकर के आए है। फिर द्वारका में जब लीला कर रहे थे उसी समय भी उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण का पुत्र जब शरीर छोड़ जाते थे फिर उन्होंने जाकर के नारायण के पास में गए, वहां से भी मरे हुए संतान को उन्होंने भी वहां से भी उन्होंने वापस लेकर के आए है, वापस लेकर के आए। इसलिए ये भगवान, इसलिए महाप्रभु भी एक बार तो उन्होंने श्रीवास पंडित के बच्चे को उन्होंने बचाया, और कब बचाएगा, और किसके बचाएगा? याद है महाप्रभु और किसको बचाए थे? इसलिए उन्होंने फिर अमोघ, अमोघ को उन्होंने बचाए। अमोघ कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद है, हैं? जब महाप्रभु का खाना को देखकर ईर्ष्या किया और सार्वभौम भट्टाचार्य को बड़ा क्रोध आया, बोले साठी तू रांडी हो जा, हैं? बोले विधवा हो जा, ऐसे जरूरत नहीं दामाद जो भगवान की खाना को देख करके ईर्ष्या करे। और सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति है, सचमुच से वो कलेरा हो गया तो शरीर ही छोड़ दिया, मर गया। फिर महाप्रभु जा करके उसको छाती पर हाथ रखते ही दो बार जिंदा हो गया। फिर महाप्रभु बोले हैं, तुमने अपना हृदय में कहा भगवान को बैठानी चाहिए, तुमने हृदय में ये ईर्ष्या रूपी चंडाली को क्यों बैठाया? इसलिए ये ईर्ष्या रूपी चंडाली को तुमने हृदय से निकालो, कहा ब्राह्मण है भगवान को हृदय में बैठा, वहां पर उन्होंने बच्चे को बचाया। ऐसे ही महाप्रभु भी तीन बार मरे हुए व्यक्ति को महाप्रभु जिंदा किए हैं। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु ने जिंदा कर दिए, फिर छाती में हाथ रखते प्राण दो बार आ गया। फिर महाप्रभु प्रश्न करते हैं, बोले बेटा तुम कहाँ चला गया? बोले प्रभु आप जितने दिन यहाँ पर हमें रखने के लिए आदेश था, जितना दिन यहाँ पर रखे उतना दिन में रहा, मैं तो अहोभाग्य है क्योंकि वैष्णव घर में श्रीवास पंडित जैसे घर में मेरा जन्म हुआ, बचपन से आपका लीलाओं को कीर्तनों को आप अपना भक्तों को मैंने दर्शन किया और आपका कीर्तन सुनते सुनते और शरीर छोड़ा, एक दिन तो मरना ही है, लेकिन मैं तो अहो भाग्य समझता हूँ आपका कीर्तन सुनते सुनते शरीर छोड़ा। बोले तुम कहाँ गया? बोले अपने जहाँ ले गया मैं वहीं गया है जहाँ, लेकिन मैं जहाँ गया ना वहाँ खुश हूँ। वो कह रहे मैंने जहाँ गया अपने मैं खुश हूँ वहां पर। फिर उन्हें पूरा तत्व ज्ञान सुनाया, जगत में कोई किसी का नहीं है, भगवत इच्छा से आते हैं, जब उसकी परमाय पूरी हो जाता है भगवान जहाँ ले जाते फिर वही जाता है। इसलिए उन्होंने बड़ी तत्व ज्ञान की बात बताई, वहां पर सब परिवार के लोग बैठ बैठ कर सुन रहे थे, इसको सुन करके सभी का मोह दूर हो गया, वो जहाँ गया भी आनंद में है। महाप्रभु बोले बचा दो, बोले वो खुद जब बोल रहा है मैं जहाँ गया वहां पर खुश हूँ, पर उनको लाने का क्या जरूरत है, उनको लाने क्या किया जरूरत है। इसलिए महाप्रभु ने इतना कथा क्यों सुनाया, किस लिए? इसलिए जब उन्होंने महाप्रभु का प्रेम में जब अपना दुख को उन्होंने भूल गए, इतने में महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं, बोले श्रीवास तुम्हारी एक बेटा गया ना, आज से हम नित्यानंद और हम मैं दोनों आज से तुम्हारी दोनों बेटा हो गए। तब से नित्यानंद प्रभु इनके घर में जब रहते थे पहले सुना ना एकदम बच्चे जैसे रहते थे हैं, जैसे कभी कभी तो उनको घर में इतने उम्र हो गया कभी कभी नंगे हो जाते थे हैं। फिर मालिनी देवी उनकी जो पत्नी थी उनको कपड़ा पहनाया करती थी, बच्चे को जैसे खिलाते हैं मालिनी देवी उनको ऐसे ही खिलाती थी, कितना खानी चाहिए एक बच्चे होने पर ऐसे ही उतना उनको खिलाए करते, एकदम बच्चे जैसे उनको घर में रहते थे। महाप्रभु उनको घर में तो लीला करते थे, इसलिए भगवान इनकी प्रेम में बसीभूत होकर के इनकी भगवान इनकी
स्वयं बच्चे बन गए हैं। इसलिए कहते ये श्रीवास जो श्रीवास पंडित है, कहते इनकी बहुत सारे लीला है, महाप्रभु जी को साथ में इनकी बहुत सारे लीला। कहते ये चार भाई थे और चार भाई में श्रीवास पंडित थे बड़े है श्रीवास पंडित। ये चार भाई क्या करते थे, चार भाई पूरा के पूरा चार भाई, उनका पत्नियां उनके बच्चे सबके सब घर में बैठ जाते थे हैं, बैठ करके मजीरा मृदंग लेते थे और बैठ करके भगवान की 26 हर समय इनके घर में है 26 प्रहर कीर्तन चलता था, 26 प्रहर हरी कीर्तन चलता था इनके घर में। एक दिन महाप्रभु इनके घर में आए, बोले श्रीवास तुम चार भाई हो और तुम्हारी चार चार पत्नियां हैं और इतने बच्चे भी परिवार पूरा के पूरा, लेकिन कोई तो काम धाम कुछ नहीं करता और दिन भर क्या मजीरा और मृदंग लेकर के हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु बोले कोई काम धाम नहीं दिन भर किया, इसे हरे कृष्ण दिन भर हरे कृष्ण करते रहते हो, अरे इतना बड़ा परिवार कोई संसार चलेगा कैसे। तो उन्होंने क्या बोले, बार तीन बार उन्होंने क्या बोले, ताली बजा दिया। महाप्रभु बोले मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे संसार कैसे चलेगा और तुमने तीन बार ताली क्यों बजा दिया। बोले प्रभु आप ही तो भगवत गीता में ही प्रतिज्ञा किए हैं, क्या प्रतिज्ञा है, अनन्नश्चिन्तयन्त माम जे जनाः परियुपासते तेसांग नित्याभिजुक्तानाम जोगाक्षम वहाम्यं। आपने प्रतिज्ञा किया जो अनन्न रूप में न अन्न और किसी की नहीं, एकांत रूप में जो तुम्हारे शरण चरण को जो आश्रय लिया है एकांत रूप में और किसी की नहीं है, इसलिए जो शरणापन्न हुआ है अपने स्वयं प्रतिज्ञा किया। क्या प्रतिज्ञा किया, उसको घर में जो चीज नहीं होता है मैं सर पर ढो करके उसको घर में मैं पहुंचा देता हूँ और जो चीज हो उसको घर में मैं स्वयं एक चौकीदार बन करके उसको मैं रखा करता हूँ। ये भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करते, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा भगवान की है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है। बोले प्रभु आप ही तो प्रतिज्ञा किया है ना, इसलिए उन्होंने अर्जुन मिश्र को उन्होंने दिखा दिया है। अर्जुन मिश्र घर में ठाकुर जी स्वयं कृष्ण बलराम बन करके उसको घर में लेकर पहुंचाए है। और कहते श्री तुलसीदास जी की घर में दरवान बन गए, तब जो दो चोर चोरी करने के लिए गए, देखा स्वयं राम लक्ष्मण तुलसीदास सो रहे हैं आराम से, स्वयं राम लक्ष्मण दोनों क्षत्रिय बालक बन करके उनके घर की परहदत दे रहे थे ठाकुर स्वयं। रात भर सोए नहीं राम लक्ष्मण सोए नहीं, इसलिए भगवान की इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है। इसलिए देखो जैसे हम लोग हैं, एक संसारिक व्यक्ति दिन भर क्या करता है, आप स्वयं देख लो कितने परिश्रम करता है अपना संसार को चलाने के लिए, कितने परिश्रम दिन रात एक करके सारा दिन कितने परिश्रम करता है अपना परिवार को मेंटेनेंस करने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सवेरे उठे ठाकुर जी आरती किया, स्नान किया, तिलक लगाए, आरती किया, गुरु मंत्र जप किया, हरिनाम किया, कीर्तन किया, प्रसाद पाए, उसके बाद में फिर विश्राम किया, शाम को कीर्तन किया, रात को हरि कथा सुने, बस दिन भर प्रभु का भजन। और ठाकुर जी कृपा करके रोज कभी कभी उत्सव होकर के जगन्नाथ जी का प्रसाद आ जाता है और बढ़िया बढ़िया प्रसाद चकाचक
और सूर्यकांत प्रभु और कितना सुंदर बढ़िया प्रसाद बना देते हैं ठाकुर जी की है, वाह चकाचक, कभी पोड़ो पीठा और कभी पोड़ो पीठा और इडली सांबर, और हमारे श्रीकांत प्रभु जी बड़े सुंदर पकौड़े बना देते हैं, हाँ क्या बनाए थे, अरे गुलगुला नहीं, उस दिन पकौड़ा बनाए थे ना, हाँ इसलिए देखो अब देखना साधारण व्यक्ति घर में कोई अन्न दाल बास सब्जी साधारण रूप में हो गया इतने खा लेते, लेकिन मंदिर में रोज रोज प्रसाद है, रोज रोज मंदिर में उत्सव हो रहा है, इसलिए सब कौन दे रहे हैं बताओ, देने वाले ठाकुर जी। इसलिए अब यहाँ प्रश्न होता है भगवान को, भगवान खुद कहते कहते श्री अर्जुन मिश्र का मन में यही शंका हुआ, भगवान स्वयं कहते सर पर रख करके पहुंचाते क्यों, भगवान इच्छा मात्र से ही भक्त घर में पहुंच जाता है, इच्छा मात्र से ही भक्त घर में पहुंच जाता है, भगवान को सर पर रख करके देने का क्या जरूरत, उसको उदाहरण दिया है जैसे अपना घर में किसी व्यक्ति का एक बेटा है, लेकिन घर में कोई एक नौकरानी रहती है, नौकरानी अभी बेटा दिन भर खेलते खेलते रात शाम को सो जाता है, अब देखना जब बच्चा खेलते खेलते शाम को सो जाए ना, इतने आसानी नहीं बच्चे को उठा कर खिलाना, वो सहज में उठता नहीं, मैया उसको मार मार कर जोर जोर जबरदस्त क्या करती है, मुंह में ठोस ठोस करके खिलाती है, इसलिए मानो माँ ने घर में जो नौकरानी थी उसको बोल दिया बेटे को खिला देना, तो बेटे को खिला देना, लेकिन एक माँ को पता है मेरा बेटा कितना खाने से पेट भर जाता है, किसको बताई बात, माँ को पता है ये बात, चीज माँ जानती है मेरे बेटा इतना खाने से पेट उसका भर जाता है, इसलिए माँ अगर भले ही नौकरानी को बोल दे कि खिला दे, लेकिन माँ का जब तक तो अपना हाथों से नहीं खिलाएगी ना, माँ का मन नहीं मानता है, नहीं पता नहीं ये तो नौकरानी है, पता नहीं खिलाया कि नहीं खिलाया, पेट भर करके मेरे बेटा खाया कि नहीं खाया है, इसलिए माँ के मन नहीं मानता है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसलिए भगवान कौन है, तुम्हें व माता च पिता तुम्हें, भगवान हमारी पिता माता है, इसलिए भक्त क्या करता है दिन भर उनका भजन करता है, उनकी भक्ति करता है, उनकी भजन में मस्त रहता है, इसलिए भगवान कहते हैं मैं जब तक स्वयं सर पर रख करके भक्तों घर में नहीं पहुंचा देता हूँ तब तक मेरा मन नहीं मानता है, जो मेरे आस को लगा कर बैठा हुआ है, है? जो मेरा ही आस लगा कर बैठा हुआ है, मेरा भजन में बैठा हुआ है, वो खाया कि नहीं खाया, उसका पेट भरा कि नहीं भरा, इसलिए भगवान कहते नहीं मैं स्वयं सर पर रख कर घर भक्तों घर में मैं स्वयं पहुंचाता हूँ, तभी मेरे मन को तृप्ति मिलती है, इसलिए श्रीवास पंडित ने उन्होंने केवल तीन बार उन्होंने ताली बजा दिया, महाप्रभु बोले तुमने तीन बार क्यों ताली बजाया, बोले प्रभु एक बार इसलिए मैंने ताली बजाया, एक दिन ही तेरे नाम कीर्तन करते हुए मैं देख लूंगा, तेरे आदेश तो हम पालन कर रहे, पूरा परिवार तो तेरा ही आदेश पालन कर रहा है, तेरे भजन में तेरे भक्ति में जीवन बिता रहे, इसलिए एक दिन ही हम देख लेंगे, हैं कुछ आया कि नहीं, बोले दो बार क्यों ताली बजाया, बोले दो दिन भी तुम्हारी कीर्तन नाम करते हुए दो दिन भी हम इंतजार कर लेंगे, बोले तीन बार क्यों बजा, बोले तीन दिन भी देख लूंगा, मेरे घर में कुछ आएगा, अगर नहीं आएगा ना फिर मैं सोचूंगा भगवान सब झूठ मूठ बोल दिया, गीता में भगवान कुछ करते नहीं बोल दिया, फिर मैं क्या करूंगा, जब गंगा में कले में कलसी बात कर गंगा में डूब मरूंगा, बस महाप्रभु इतने खुश इतने प्रसन्न हो गए, उनको पीठ पर हाथ थपथपाए, बोले श्रीवास मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, भले ही लक्ष्मी को कभी दरवाजा में जाकर के भीख मांगने पड़ जाए, लेकिन तेरे घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगा, इतना बड़ा वरदान उनने श्रीवास पंडित को दिया, इसलिए महाप्रभु यहाँ शिक्षा देते हैं हमें भी ऐसे एकनिष्ठ होकर के अनन्य रूप में भगवान का कीर्तन नाम भजन हमें भी ऐसे ही करनी चाहिए, हमें ऐसे ही प्रभु की भक्ति हमें करनी चाहिए, इस चीज को शिक्षा देते हैं, इसलिए श्रीवास पंडित को हम कुछ दिन पहले सुने थे, क्या सुने थे, श्रीवास पंडित को महाप्रभु परीक्षा कर रहे हैं, क्या परीक्षा कर, बोले श्रीवास ये पागल नित्यानंद के पागल, इसको कोई जात पात ठीक नहीं, जिस घर में हो उसी घर में चला जाता है, चंडाल पंडाल है, जिसको घर में घुस जाता है, और तुमने इसको घर में अपना स्थान दे दिया है, तुम्हारे भी जात गया, उसको भी जात नहीं हो, तेरा भी जात, निकाल दो इसको घर से। इतने में श्रीवास पंडित कहता है, बोले प्रभु
एक दिन भी जो तुम्हारी भजन करते हैं ना, मेरे प्राण है। और कहां नित्यानंद साक्षात बलदेव है, है? नित्यानंद बलदेव। इसलिए ये जवनी यू कह रहे, अगर किसी जवनी को घर में अगर कहीं चले नहीं जाए नित्यानंद प्रभु है, इसलिए जवनी के घर में है किसी अगर महा नित्यानंद प्रभु चले जाए तब भी ये नित्यानंद मेरे प्राण है। जब उन्होंने इतना बोले ना, महाप्रभु इतने खुश हो गए, बोले श्रीवास मेरे नित्यानंद में तुम्हारी इतने निष्ठा नित्यानंद में है, भले ये जवनी चंडाली के घर में क्यों नहीं चले जाए, तभी ये प्राण तुम मेरे नित्यानंद प्रभु को पहचान गया। क्योंकि है ना निताय विनय भाई, राधा कृष्ण पाइते नाई, निताय करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। नित्यानंद थोड़ी अलग कोई है, दुई भाई एक तन समान प्रकाश। केवल वो लीला करने के लिए वो गोरे और एक काले है, श्री बलदेव प्रभु गोरे और श्री जगन्नाथ जी कृष्ण काले हैं, लेकिन तत्व तो वो दोनों एक। इसलिए श्री वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं, मन अजान लंबित भुजौ कनका बदातौ संकीर्तन पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ तिजवरौ युग धर्म पालौ वंदे जगत प्रिय करौ करुणावतार। एक श्लोक में दोनों को है द्विवचन प्रयोग करते हुए उन्होंने दोनों को कहते, ये मेरे जो गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु कौन है, कहते ये महाप्रभु से अभिन्न है। केवल लीला करने के लिए उन्होंने केवल उन्हें दो रूप में प्रकाश हुए, लेकिन तत्व तो दोनों एक ही है। इसलिए है, इसलिए संसार रे पार है या भक्ति रे सागर है जे डूबी वे से भजुक निताई चांदर। इसलिए जो संसार से पार होकर के भक्ति रस में जो गोता लगाना चाहते हैं, उनको क्या करे, बोले जे डूबी के से भजुक निताई चांदर। इसलिए जो रस को पाना चाहते नित्यानंद प्रभु के कृपा के बगैर नहीं प्राप्त हो सकते। ऐसे जब उन्होंने ये चीज को देखा महाप्रभु, तभी भी उन्होंने वरदान दी, बल्कि मित्र को वरदान देता हूँ, लक्ष्मी को भी भीख मांगने पड़ जाए लेकिन तेरे घर में कभी किसी चीज की तुम्हारे घर में अभाव नहीं होगा। इतना वरदान महाप्रभु इतने खुश हो गए श्रीवास जी घर में। कभी श्रीवास जी की चरण में है, श्रीवास जी की चरण में कभी गोपाल चापला ने भी अपराध किया है, इनके चरण में अपराध किया। उनको क्या करता था गोपाल चापाल, नहीं तो कीर्तन करते थे चार भाई मिल करके है। इसने क्या किया गोपाल चापाल, उसको लांछना लगाने के लिए उसको घर को सामने शराब और एक जवा फूल होता है जो देवी पूजा करते हैं और मंदार फंदार और एक शराब और मांस है, उनको घर को सामने रख दिया। रख करके जब सवेरे हुआ ना, लोगों को बुला लिया, बुला करके बोले देखो देखो आपको लगता है ये खूब भजन करता है भक्ति करता है, ये भक्ति भक्ति कुछ नहीं करता, ढोंगी है, हैं? ये रात को ना ये कोई जादू विद्या जानते हैं, मधुमति कोई विद्या जानते हैं, ये रात में क्या करते हैं ऊपर से अप्सरियों को बुलाते हैं और उनको साथ में भोग करते हैं और ये देवी पूजा करते करते कृष्ण 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 नाम करते को ये देवी पूजा के लिए शराब मांस और जवाब पुष्प को लेकर के देखो ये क्या करते हैं, देवी पूजा करते हैं और ये पंच रिद्धि सिद्धि करके क्या उल्टा पुल्टा करते हैं और लोगों को क्या जनाते हैं, खूब भक्ति करते हैं, भक्ति भक्ति ढोंगी है। उनको नाम पर उन्होंने बदनाम करा दिया है। भगवान कहते भैया मैं भक्त का बदनाम कभी मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। इसलिए कल हम परसों सुन रहे थे ना, इसलिए पर सुन रहे थे, वो कह रहे थे अगर जो वैष्णव चरण में अपराध करते हैं, बोले गंगा में अगर स्नान करने के लिए जाए गंगा भाग जाती है वहां से, हरिनाम करे हाँ, अगर वो हरिनाम करे कहते नाम स्वयं उनको संहार करते हैं, हरिनाम भी उसको रक्षा नहीं करते हैं, गंगा भी उसको डर से गंगा भी भाग जाती है। वैष्णव अपराध इतने खतरा वैष्णव अपराध, इसलिए महाप्रभु ने अपना माँ को भी माफ नहीं किया, अपना माँ को भी माँ प्रेम नहीं दिए है, माँ को भी प्रेम ने बोले वैष्णव अपराध किया है, वैष्णव अपराध किया, इसलिए उनका वैष्णव अपराध हो तो किसका फल क्या हुआ, गलित कुष्ठ हो गया, कूड़ हो गया, ना कान गलने लग गया उसको, हाँ बड़ा भयंकर ये बीमारी है, गलने लग गया, इतने कष्ट होगा। फिर उन्होंने महाप्रभु के पास गए, प्रभु मेरी अपराध को माफ कर दो, मेरी अपराध माफ कर दो, मैंने श्रीवास को मैंने लांछना लगाया, झूठ उनके प्रति मैंने झूठ बोला है, अपराध माफ कर दो। महाप्रभु बोले देखो अगर प्यार में कांटा चुभ जाए ना
सर में नहीं निकलता है, वो जिधर निकलेगा उधर से ही निकलता है। इसलिए तुमने मेरे चरण में अपराध नहीं, तुमने श्रीवास पंडित चरण में अपराध किया, उनको चरण में तुम्हें माफी मांगना पड़ेगा। फिर उन्होंने उनको चरण में आकर के माफी मांगी, मेरे अपराध को माफ कर दो। वैष्णव बड़े दयालु होते हैं, वैष्णव बड़े कृपालु होते हैं। वैष्णव लोग जो उन्होंने उनको माफ किया, फिर उनके अपराध को नष्ट तभी हुआ है, है? इसलिए वैष्णव चरण में कभी अपराध हमें नहीं करनी चाहिए। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, देखो भले ही भजन कम हो कोई बात नहीं, रूप गोस्वामी कहते हैं भले ही भजन कम हो कोई कम बात नहीं, लेकिन कभी वैष्णव चरण में कभी अपराध को मत करो। भगवान खुद कहते हैं जो वैष्णव मेरे नाम गुणगान करते हैं, सर्वत्र मेरी प्रचार करते हैं, कहते उनकी बदनामी में कभी सहन नहीं करता हूँ। भगवान कहते मेरे भुजा भी अभी कभी उनको प्रतिकूल में चले जाए, मेरे हाथ, मैं अपना हाथ भी काट देता हूँ। इसलिए 10 तरह का अपराध में सबसे पहले वैष्णव अपराध को दी गई है। कहते यही श्रीवास पंडित जिस समय से नित्यानंद प्रभु आए नवद्वीप में, है नित्यानंद प्रभु आए, महाप्रभु ने सवेरे होते ही महाप्रभु श्रीवास पंडित और श्री हरिदास ठाकुर को बोले, मैंने तिब्बत एक स्वप्न देखा है, एक दालत ध्वज एक रथ आया कहाँ से, और आकर के सब घर घर में जा रहे हैं और मेरे घर में भी आए। बोले ये क्या निमाई पंडित का घर है, हैं ये कि निमाई पंडित का घर है, बारम्बार पूछ रहा था, इसलिए हैं बारम्बार पूछ रहा था। और मैंने कहा देखो कल सवेरे तुम्हारे साथ में मेरी मुलाकात होगी, कोई परम वैष्णव आया जाओ ढूंढ करके लाओ। मैंने गए सब जगह पर, लेकिन कहीं तन तन करके ढूंढे लेकिन वो मिले ही नहीं, वापस आ गए। बोले मिले, बोले हमने तो हर घर घर में गया पूछा, कहीं पता ही नहीं मिला, है कहीं पता ही नहीं मिला। तो महाप्रभु बोले चलो मेरे साथ में चलो। सीधा उन्होंने श्री किसको घर में गए, नंदन आचार्य को घर में, नित्यानंद प्रभु छुपे तो वहीं पर गए। जब वहीं पर गए देखा नित्यानंद प्रभु, कल श्री नित्यानंद प्रभु वहीं पर योगासन में नित्यानंद प्रभु बैठे हुए थे, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों दोनों भाइयों को आंखों से आंखों मिलाया, दोनों दोनों को पहचान गए। पहचान करके उन्होंने उनको प्रकट करना चाहते थे, बोले श्रीवास एक श्लोक बोला। तो श्रीवास पंडित ने ही वो श्लोक को उच्चारण किया था, कौन सा श्लोक है, बोले बराहा पीड़म नटवर बपुहु कर्णयो कर्णिकारम विप्रत पास कनक कपि स्वयं वैजयंति च माला रंध्रान पेणुरधर सुदया पुरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशस्त गीत कीर्ति। ये श्लोक सुनते ही नित्यानंद प्रभु ऐसे हुंकार, ऐसे नृत्य, ऐसे प्रेम की प्रकट हुए, है ऐसे प्रेम की प्रकट हुए जिसको देख करके सारे भक्त चकाचौंध हो गए। कहते उन्होंने श्रीवास पंडित को द्वारा ही उन्होंने उस श्लोक को उन्होंने उच्चारण उन्होंने श्रीवास पंडित को द्वारा उन्होंने करवाया था। इसलिए महाप्रभु की हर लीला में इनके बगैर महाप्रभु का कोई लीला ही नहीं हुआ है, हैं हर लीला में इनकी। और एक समय देखो इनका महाप्रभु में कितना प्रीति है, कितना प्रेम है। इनके घर में रोज महाप्रभु कीर्तन करते थे, लेकिन जब कीर्तन करते दरवाजा बंद कर देते थे। जब बंद कर देते थे एक दिन इनका सासुड़ी इनकी सास हैं सास बोली ये दरवाजा बंद कर करते क्या, हैं ये दरवाजा क्यों बंद करते हैं, और अंदर में कीर्तन नृत्य कीर्तन। बोले एक दिन में देखो क्या होता है। एक दिन उसने क्या किया, पहले डोली जानते हो जैसे अभी जैसे गेहूं रखने के लिए एक बनाते ना ड्रम बनाते हैं, पहले डोली होता था जिसमें चावल धान रख लेते थे, हाँ इसलिए उसने क्या किया, वो जा करके ना घर की कोड़े में वो डोली था उसके अंदर में छुप करके बैठी गई। छुप करके बैठी गई तो अभी महाप्रभु नृत्य कीर्तन कर रहे थे, हैं लेकिन महाप्रभु सर्वत्र जा वो सब जानते हैं। बोले लगता है आज मेरे मन में आनंद क्यों नहीं हो रहा है, लगता है कोई अनधिकारी व्यक्ति अंदर में घुस गया है। श्रीवास बोले यह तो कोई है ही नहीं, पूरा तो चार तरफ में कुछ है ही नहीं, हाँ यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बोले नहीं लगता है कोई है, उन्होंने तन तन कर ढूंढा और डोली के अंदर में देखा ना उसके सास जो है ना उसके अंदर छुप कर बैठी है। ये रात में क्या करते है, उन्होंने देखो सास अपना माँ जैसे होता है ना सास, हाँ सास आप देखना शादी के बाद में अपना मैया को जितना पूछते नहीं
उससे ज्यादा सास को। अपना पिता माता लेकर तीर्थ नहीं जाएंगे, लेकिन अपना सास ससुर को लेकर के तीर्थ, पत्नी को खुश करने के लिए। लेकिन सास कितने प्यारी, लेकिन उन्होंने जब देखा उनका सास अंदर में डोली को अंदर बैठी हुई, हे श्रीवास पंडित को इतना क्रोध आया, उनको पकड़े चोटी, है चोटी पकड़ करके निकाले और धक्का मार कर घर से बाहर निकाल दिए। मतलब महाप्रभु भगवान के लिए अपना सास को भी उन्होंने छोड़े नहीं, अपना सास को नहीं छोड़े। मतलब भगवान के प्रति इनकी इतने ममता, इतने प्रति महाप्रभु प्रति इनकी जो भक्ति है। इसलिए महाप्रभु के हर लीला में श्रीवास पंडित, जब श्री जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होता था, सारे भक्त लोग रथ यात्रा में, सबके सब भक्त लोग रथ यात्रा में आते थे और वहीं से महाप्रभु के लिए खाली हाथ से नहीं, कुछ ना कुछ वहां से लेकर के आते थे महाप्रभु के लिए। है वहां से किसी लेकर राघव का झाली, वहां पर महाप्रभु को जो जो प्यारा चीज है वही वही चीज लाते थे और महाप्रभु को सेवा करते थे। है इसलिए आज श्रीवास पंडित जी का आज तिरुभाव तिथि है, इनकी जैसे महाप्रभु का प्रति चरण में प्रति, नित्यानंद प्रभु का प्रति है, वो हम सबको ऊपर में आशीर्वाद करे, हमारी भी थोड़ी बहुत प्रति गुरु वैष्णव और भगवान में हो और हमारा जीवन भी धन्य बन जाए। बोले श्री श्रीवास पंडित की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Jaya Sapasana Hare Jaya Gora Jaya Gora Jaya Gora Jaya Gora Jaya Gora Jaya Jagannatha Jaya Jagannatha Jaya Sudarshana Jaya Jagannatha Jaya Bharatera Jaya Sudarshana Jaya Radha Damodara Jaya Damodara Jaya Radha Damodara Jaya Guru Deva 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 Jaya Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna